क्या कर रहे हैं बीबी? केक? हाँ। गार्डन में केक खोज रहे हैं आप? नहीं है? केक नहीं है, कद्दू कटने के लिए आए। ये देखिए, ये कद्दू इतना बड़ा हुआ है, ये तो भी और बढ़ेगा। इसको करने का प्लान नहीं है ना? नहीं नहीं, इसको नहीं काटेंगे। ये पड़ोसी क्या ले रहा है, काट देना ना। कद्दू वाले से बढ़ गया। और एक यहाँ पे आ रहा है छोटू सा। आने गया ना उसका उधर, ठीक है ना? अपना काटेगा वो, चल। नहीं, मेरा भी काट देते हैं। आज देखिए ये वाला कद्दू कटना है, ठीक है? अरे हम तो काटते हैं, आप भी, बुआ भी काटे, आप नहीं काटे, आप काट ले। काटे, चले। हाँ, एक नंबर है अभी। नहीं जो है। हाँ 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 हाँ। कितना केजी लग रहा है? पापा बताएं। 5 केजी? नहीं। सब कद्दू आपका कमरे पार हो जाता है अभी, हाँ? आप छोटी हैं कि कद्दू बड़ा है? तो पापा कैसे कितना केजी है देखने के लिए। चलिए। ठीक है। बाबूजी एक्सपर्ट हैं। आई। तीन के लिए ऊपर, 3 तो ऊपर ही। तोलो। पापा तोलने जा रहे नीचे। चलिए तोलने, चल तोल ही लेते हैं। अच्छा, ये दिक्कत है ना, क्या कीजिए ना बाबूजी, कि एक बार आप खड़ा हो जाइए बिना कद्दू का, एक बार कद्दू लेके। क्या बोलते जानो, देखना बाबूजी का कितना हुआ है। मतलब 70 से थोड़ा सा ज्यादा है ना? बस आप कद्दू दे दो बाबूजी का, 70 से 78 हो गया, समझे? मैंने 4 केजी लगभग है। 300 ठीक है, वही 3 से 4 के बीच होइबे करेगा। ये कद्दू सस बनिया इधर से, ये एकदम खिज्जा है ना, और बढ़ते हाँ, लेकिन ना अथी हो जाए छे नीचा, तनी करा हो जाए छे छिलका, एक छिलका हो जाए। ठीक है बाबूजी, बहुत हुआ, चलिए। इसका 2 दिन बनेगा कि नहीं? रथुआ बना देते हैं, हाँ, सब्जी है। आराम से 2 दिन हो जाएगा। हाँ, मम्मी को ही कहते हैं आज रथुआ सब्जी। चलिए, यहाँ पे बैठ चुके हैं ट्रेन में, और पापा को पहली बार ट्रेन में बैठा है, क्योंकि हम लोग जनरली तो कार से ही घूमते हैं, लेकिन ट्रेन में एक बार बैठाना था, तो यहाँ पे ट्रेन में बैठ चुके हैं। और कहाँ जा रहे हैं वो तो उतर के आपको बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं। तो मज़ा आ रहा है, पहली बार ट्रेन में बैठे हैं, क्योंकि इंडिया का ट्रेन और यहाँ का ट्रेन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और हम लोग चाह भी रहे थे, और ज़्यादा दूर भी नहीं गए, हम लोग घर के पास ही गए हैं। कहाँ घूमने गए हैं वो आप लोग को पता चल जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे ये देख रहे हैं, घर जाना पड़ेगा, स्लॉट दिख रहा है ना? तो चलिए, हम लोग पहुंच चुके हैं हाइडलबर्ग सिटी, और पापा को घुमाने के लिए लेके आए हैं यहाँ से, देखना है। जी अभी निकले हैं और अभी बैठेंगे ही दुबी पे, और अभी ना वेदर अच्छा है, मतलब उतना धूप नहीं है, धूप रहता है ना तो घूम नहीं पाते, तो अभी धूप नहीं है तो अच्छा लग रहा है घूमने में।
और यहाँ पे आए ना मौसम बहुत अच्छा, और हम लोग बहुत पीछे उतरे थे। हम लोग ट्रेन से आए, कार से नहीं आए क्योंकि ट्रेन में घूमना था। और ट्रेन से उतरने के बाद वहाँ से वॉक करके हम लोग आए। ट्राम भी ले सकते थे लेकिन हम लोग वॉक करके आए, और इतना वॉक हो गया ना कि बता नहीं सकते। मम्मी बोलती अब हम नहीं चलेंगे, बहुत चलना पड़ गया। और हम लोग को जाना था वो मेन वाला ब्रिज पे जाना था, और स्लोस मम्मी बोली कि नहीं घूमेंगे। और पूरा हम लोग रिवर के साथ, हाइडलबर्ग सिटी बहुत ही फेमस है, सिटी दिखने में बहुत सुंदर है, चारों तरफ नदी के किनारे घूमने का बैठने का जगह है, और गर्मी मौसम बहुत मस्त था। और कहते हैं ना कि अगर कोई आपके घर के पास अच्छा घूमने का जगह हो ना तो वहाँ बहुत कम जाते हैं। तो मेरे पास इतना अच्छा चीज़ है घूमने का, और यहाँ पे इतना कम जाते हैं, इतना कम जाते हैं ना कि हम बता नहीं सकते। जब भी कोई आता है तभी हम लोग जाते हैं, अदरवाइज हम लोग जाते भी नहीं। और कार पार्किंग तो बाबा यहाँ पे सिटी में तो बहुत मुश्किल, इसीलिए हम लोग बोले ट्रेन से चलते हैं। और ये देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है ना, ये स्लॉस है। हम लोग एक बार गए हैं जब हम फ्रैंकफर्ट में रहते थे, तब आए थे उस समय गए हैं, और जब से हम कार्लसरुहे शिफ्ट किए हैं ना कभी हम हाइडलबर्ग के वो स्लॉस में नहीं गए, क्योंकि एक बार इनफ है। हाँ, हमको सिटी बहुत अच्छा लगता है तो सिटी घूमने के लिए आ जाते हैं, एकदम आराम से सिटी पूरा घूमते हैं चारों तरफ। अभी इस साइड है, उसके बाद हम पूरा सिटी कवर करेंगे, आप लोग को भी दिखाते हैं, पूरा चारों तरफ घूमेंगे। और पापा को भी बहुत अच्छा लगा, व्यू बहुत इंजॉय किया। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर आ चुके हैं, और इतना अच्छा लग रहा था ना, शाम का मौसम था। और घर के पास रहने में ना ये फ़ायदा है कि मस्त तुरंत पहुंच गए, और मस्त ठंडा ठंडा, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा था। 3 कितने बजे हम लोग, 2:30 बजे 3 बजे लगभग निकले थे, और 5 बजे तक मस्त घूमे। उसके बाद फिर हम लोग वापस आए, और इतना अच्छा लग रहा था ना, पापा को बहुत मज़ा आया देख के यहाँ पे। और ये पूरा स्लॉस यहाँ से ना बहुत अच्छा व्यू दिखता है स्लॉस का। तो चलिए आप लोग भी व्यू को इंजॉय कीजिए। चलिए ये वाला पूरा एरिया हम लोग घूम लिए, यहाँ पे फोटो वगैरह शूट करा लिए हैं, और हम लोग उस साइड जा रहे हैं अभी। पूरा उस साइड वाला एरिया थोड़ा सा पापा को घुमा के फिर वापस हमें इसी साइड आना है, क्योंकि बस जो है ना इस साइड ही मिलेगा। और यहाँ पे ये बहुत मतलब अमेजिंग व्यू था, ये जो है ना गोल वाला गुम्बद, ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद। यहाँ का जो फोटो होता है ना बहुत सुंदर दिखने में लगता है। तो यहाँ पे पापा का फोटो शूट ये कर रहे हैं, और साथ साथ मम्मी को भी बोलेंगे कि यहाँ पे ये वाला एरिया ना हमको स्पेशली बहुत अच्छा लगता है, जब इधर से और जब एंट्री करते हैं उस साइड से, दोनों साइड से बहुत अच्छा। और बहुत शाम में ना ये वाले ब्रिज पे ना स्पेशली इतना भीड़ रहता है ना, और म्यूजिक वगैरह चलते रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। लास्ट टाइम हम गए थे तो यहाँ पे एक डांस भी हो रहा था, इस बार तो सिर्फ म्यूजिक बज रहा है, डांस शो भी हो रहा था, म्यूजिक भी हो रहा था, तो अच्छा लग रहा है। चलिए अब अंदर चलते हैं, अंदर बहुत बड़ा मार्केट है। अगर जो नहीं गए हैं ना हाइडलबर्ग एक बार जरूर आइए, बहुत अच्छा लगेगा, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और ये वाला एरिया में ना आपको रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ है, खाने पीने का सब कुछ, आप घूमिए खाइए पीजिए, बहुत अच्छा ये व्यू लगता है। और यहाँ से एक स्टेशन दिखा रहा था लेकिन बहुत दूर था, 900 मीटर लगभग था, 1 घंटे लगभग लग रहा था। और यहाँ मम्मी बोली अब इतना हम नहीं चलेंगे, वापस बस से ही चलेंगे। तो हम लोग बस पास में ही था, तो हम लोग बस पर, यहाँ से एस-बान लगभग 900 मीटर पे ही था, तो हम लोग पूरा एक राउंड यहाँ पे सोचे लगा लेते हैं, जब आए हैं इतनी दूर तो थोड़ा सा पूरा ना घूम लेते हैं अच्छे से। और यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये दोनों साइड रेस्टोरेंट था और बीच में गली जैसा था, इतना प्यारा लग रहा था। चलिए अब बस की तरफ चलते हैं। कार से नहीं आए हम लोग, जो है अब हाइडलबर्ग से वापस चल दिए हैं घर की ओर। ठीक है, यहाँ पे अभी बस का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर आपको जो पुराना ब्रिज है, पुराना ब्रिज को क्रॉस कीजिएगा तो नॉर्थ अल्टे ब्रूके नॉर्थ ये करके एक स्टेशन है, मतलब पुराना ब्रिज वो नॉर्थ साइड में। यहाँ पे बस स्टेशन पे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए यहाँ पे 2 बस आता है, 3437 नंबर। चलिए हम लोग घूम फिर के घर आ चुके हैं, और जाने से पहले ये हम मटर देख रहे हैं, इसको
पूरा प्रॉपर कुक वुक करके गए थे, कटिंग चॉपिंग सब करके गए थे, क्योंकि 2:30 बजे निकले थे और आने के बाद हमको पता था शाम में सबको भूख लगेगा, मेरे को भी लगेगा, क्योंकि इतना चले हैं ना, और बाहर का तो कुछ खाएंगे नहीं, और आने के बाद भाई भूख तो लगना ही लगना था कहीं। हाँ, दूर घूमने जाते हैं तो ठेकुआ वगैरह, नमकीन पिरिकिया ये सब बना के ले जाते हैं, बट घर के पास है तो पता था, लंच करके निकले थे और घूम फिर के लंच करने के बाद, हाँ 2:30 बजे निकले थे और 5 साढ़े 5 बजे तक घर पहुंच गए, तो ये सब तैयारी करके गए थे। तो चलिए यहाँ पे जब भी हम चाट बनाते हैं तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करते हैं, और हाँ आप लोग का ना रिक्वेस्ट भी रहता है हमेशा कि चाट का हमेशा ना आप प्रॉपर पूरा वीडियो शेयर किया करो। तो इस बार ना पहले हम सोचे थे समोसा चाट बनाने के लिए, लेकिन इतना टाइम नहीं था कि समोसा आने के बाद फिर इतना हिम्मत भी नहीं था, फटाफट आए कपड़ा चेंज किए और यहाँ पे आ गए हैं चाट बनाने। और यहाँ पे ये देख रहे हो भाई साहब क्या मस्त चाट दिख रहा है ना, तो मेरे को जब भी मन करता है ना चाट खाने के लिए तो हम चाट बना लेते हैं, क्योंकि चाट हमको बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी डिफरेंट टाइप का। एक बार ना बहुत रिक्वेस्ट आया है कटोरी चाट के लिए, तो कटोरी चाट जब भी बनाएंगे वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे छोले जो है ना पीला वाला को उसको हम बॉईल कर लिए हैं, और कुकर में ना थोड़ा सा आलू डाल के कीजिएगा, इससे ना क्या होगा टेक्सचर जो होता है ना छोले का बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे उसमें हल्दी और नमक डाल के उसको बॉईल कर लिए, निकालने के बाद हल्का सा मसाला डाल के उसको तैयार किए हैं। और यहाँ पे क्या क्या डालना है चाट में, तो सबसे पहले दही है, प्याज है, टमाटर है, सेवई जो आलू भुंजिया होता है वो है, उसके बाद आपका डिफरेंट टाइप का चटनी, लाल चटनी है, इमली का चटनी है, उसके बाद धनिया की चटनी है, साथ में ऐड करेंगे मसाले। मसाले डालने से पहले यहाँ पे पानी पूरी का जो पूरी होता है ना उसको फ्राई कर लिए थे और उसको क्रश करके ऊपर से देते, इतना अच्छा ना खाने में टेस्ट लगता है। और साथ में यहाँ पे ऐड करेंगे लाल वाली मिर्च, थोड़ा सा जलजीरा पाउडर अगर या चाट मसाला पाउडर है वो यूज कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट है। जब भी हम चाट बनाते हैं ना तो सबके मुंह में पानी आता है, और हम अपना जब एडिटिंग करने बैठ रहे हैं और अभी हम देख रहे हैं मेरे को फिर से चाट खाने का मन करता है। चाट पानी पूरी ये सब ना मेरा फेवरेट है। और चटनी, चटनी ना हम 1 महीने 1.5 महीने आराम से, मतलब 2 महीने तक अगर चटनी का क्वांटिटी अच्छा बना के आप रखोगे ना, आराम से 1.5 से 2 महीने चटनी रह जाएगा, लाल वाली भी और इमली की चटनी, ये ख़राब नहीं होता है। तो हम बना के प्रॉपर ना रख लेते हैं, क्योंकि हम लोग कभी दही फुचका खाना हुआ, चाट खाना हुआ, तो आराम से ना, क्योंकि ये सब बना रहता है ना तो ईजी से ये सब बना लेते हैं। अदरवाइज़ क्या है ना, पहले चटनी बनाओ, पूरा ये प्रिपरेशन करो, तो बहुत टाइम लग जाता है, उतना में तो भाई खाने का जो इच्छा रहता है ना वो भी मर जाता है। तो ये सब को ना हम बहुत मिस करते हैं इंडिया को, ये सब ना कि खाने का मन किया चलो बाहर निकल गए ठेले पे से खा के आ गए, यहाँ पे ये सब खाना है ना तो मम्मी वही बोल रही थी यहाँ पे ये सब नहीं मिलता है ना, तो हम मतलब बहुत डिफरेंट लगा मम्मी को। हम बोले हाँ रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ पे ऑर्डर दे के खा सकते हैं, प्रॉपर यहाँ पे दुकान नहीं लगता है। तो चलिए यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा चाट बन के तैयार है, और कैसा लगा चाट कमेंट करके बताइएगा, कैसा लगा हमारा वीडियो आज का ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आपसे मिलते रहते हैं, और आप इसी तरह प्यार और सपोर्ट हमें देते रहें, अगले ब्लॉग में आपसे मिलते हैं। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर फॉलो करते रहें, तो इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।